ओम शांति। एक छोटी सी प्रेरणादायी घटना। एक साधु तपस्या कर रहा था नदी के किनारे, तभी उसने देखा कि किनारे की मिट्टी से गिरकर एक बिच्छू नदी में बह गया और वो नदी में बह रहा था और वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बिच्छू कभी किनारे की किसी घास पर पकड़ने की कोशिश, कभी ऐसे, और बहाव थोड़ा ऐसा तेज था कि वो उसके साथ बहता तड़फ रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश में था। साधु ने देखा और उसने अपना हाथ आगे किया उस बिच्छू के आगे, थोड़ा आगे बढ़कर, और फिर वो बिच्छू को अपने हाथ पर चढ़ा लिया। जैसे ही बिच्छू साधु के हाथ पर आया, उसने एक नरम सा हाथ देखा, नरम सी चीज महसूस की और उसने डंक मार दिया। इतनी जोर से उसका डंक लगा कि साधु बिलबिलाकर एकदम तड़फ गया और उसका हाथ कांप गया और बिच्छू फिर पानी में, बिच्छू पानी में गिर गया तो फिर बिच्छू तड़फने लग गया। अब फिर साधु ने हाथ आगे किया, फिर उसको बचाने की कोशिश की, बिच्छू ने उसके हाथ पर चढ़ते ही अगेन डंक मार दिया तो साधु का हाथ फिर कांप गया, फिर बिच्छू पानी में। तीसरी बार फिर साधु ने कोई पत्ता ढूंढा, कोई ऐसा कोशिश की कि इसको पत्ते पर चढ़ा ले, इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। वहां से एक गडरिया निकल रहा था, उसने उसको देखा कि दो बार तो साधु अपने हाथ पे डंक लगवा चुका है बिच्छू का, और बिच्छू जहरीला होता है। उसने तीसरी बार देखा कि साधु फिर कोशिश कर रहा है, कोई पत्ता ढूंढ रहा है, फिर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अगेन उस बिच्छू को उस पत्ते से उठाया, थोड़ा सा समेट कर, संभाल कर उसको आगे मिट्टी में छोड़ दिया, जमीन पर छोड़ दिया। तो उस बच्चे ने आके पूछा कि बाबा जी, दो बार ये डंक मार चुका, तीसरी बार भी वो डंक मारने वाला था, तो जब वो देख रहे हो आपके डंक मार रहा है, तो आपको क्या पड़ी है उसको बचाने की, मरने दो उसको। साधु ने उसे जवाब दिया कि देखो, डंक मारना उसका स्वभाव है, कोई भी नरम चीज देखता है बिच्छू डंक मार देता है, वो उससे ऑटोमेटिक हो जाता है, वो कोई स्पेशल उसके लिए मेहनत नहीं करता, उसे ये नहीं पता कि मैं साधु हूं या मैं बचाने वाला हूं, तो इसीलिए डंक मारना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। जब वो जानवर होकर, एक बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव उसकी बातों से, उसके डंक से प्रभावित होकर कैसे छोड़ दूं? वो कैसा भी है तो भी मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा। सोचने की बात है, हम कई बार कहते हैं कि उसने मेरे से अच्छा बिहेव किया तो मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, अगर वो मेरे साथ गलत बोलेगा, गलत करेगा, तो मैं भी उसके साथ बहुत कड़वा, बहुत गलत व्यवहार करूँगा। तो ये जानवर को भी इससे ज़्यादा अकल है। हम सोचिए, मनुष्य हैं, किसी का कैसा भी व्यवहार हो, स्वभाव हो, हम उसको देखकर अपना व्यवहार निश्चित नहीं करते हैं। कोई भी भिखारी राजा के दरबार में आए, तो राजा भिखारी के फटे, गंदे, मैले, कुचैले कपड़ों को देखकर ये नहीं सोचता कि इसको ऐसे ही कपड़े दान में देने हैं। राजा उसे अपनी औकात के अनुसार कपड़े दान में देता है, चीजें दान में देता है, भिखारी की औकात के अनुसार नहीं। तो दूसरे का व्यवहार, दूसरे का संस्कार, उसकी अपनी औकात है, उसकी अपनी हैसियत है, तो उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसका संस्कार देख कर मुझे अपनी औकात, अपना संस्कार भूलना नहीं चाहिए। कोशिश करें, हर एक के लिए निरंतर शुभ भावना रखें, परोपकार करें। ओम शांति।